श्रवण मास की इस पवित्र पावन महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछला जो भाग था भगवान शिव से संबंधित कुछ अनसुनी प्रचलित कथाओं के बारे में बात की थी। अगर आपने अभी तक भगवान शिव से संबंधित जो पहला भाग था उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करें और उस भाग को देखें। उसमें भगवान के जन्म से संबंधित एक प्रचलित कथा थी, उसके बारे में हमने बात की थी। अभी हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के प्रथम अवतार से। उस वीडियो में हमने बताया था कि भगवान शिव के प्रथम अवतार से संबंधित हम एक और अगले भाग में बात करने वाले हैं कि भगवान शिव का प्रथम अवतार कैसे और कौन सा हुआ। कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस श्रवण मास में हम बहुत सारी भगवान शिव से संबंधित प्रचलित कथाओं के बारे में बात करने वाले हैं। भगवान शिव से संबंधित उनके अवतार से संबंधित एक प्रचलित कथा है, आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। दक्ष एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने वाले थे और उस आयोजन में भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया दक्ष ने। चूँकि माता सती यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव से हट की कि नहीं हम तो जाएंगे और यज्ञ में जाएंगे, भगवान शिव ने मना किया कि देखो जहाँ बुलाया ना जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए और हमको निमंत्रण नहीं आया इसलिए आपको जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती नहीं मानी और वो माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाई पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद उनको देखने में ये लगा कि यहाँ भगवान शिव का बहुत अपमान हो रहा है और उस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाईं। तो माता सती ने क्या किया, जो यज्ञ उस यज्ञ वेदी में कूद कर अपना देह त्याग कर दिया। जब ये बात भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। तो भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने सिर से एक जटा निकाल कर रोषपूर्वक एक पर्वत के ऊपर पटक दी। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र का अवतार हुआ। भगवान के शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट कर मृत्युदंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर रखकर उनको जीवन दान दिया। ऐसा एक प्रचलित कथा है, उसमें कहा गया है। और पहला अवतार जो था वो वीरभद्र था, भगवान शिव का पहला अवतार था वीरभद्र। इस प्रकार भगवान शिव के 18 अवतार और हुए। कभी किसी अगले भाग में इन 18 अवतार के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। जो 18 अवतार हुए उनके बारे में हम थोड़ा सा नाम पता कर लेते हैं कि कौन कौन से अवतार हुए। सबसे पहला तो वीरभद्र अवतरित हुए, जो आपको पता ही चल गया। फिर हुए पिपलाद, नंदी और भैरव, अश्वत्थामा, सर्व अवतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान जी, वृषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्ष, सुरेश्वर, किरात, सुन, तनर्तक, ब्रह्मचारी और यक्ष। भगवान शिव से संबंधित उनके अवतार, प्रथम अवतार से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले नेक्स्ट भाग में हम भगवान के शिव से संबंधित कुछ और प्रचलित कथाओं के बारे में हम बात करेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि कोई भी भाग छूट ना जाए।